आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी। 608 बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल उर्दू में NIOS 10th का। बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना, लेकिन हमने आपके लिए तैयार करा है ताकि आप अच्छे से कर सकें और पेपर में प्रैक्टिकल में जा सकें। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है इनपुट और आउटपुट डिवाइस और इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, उनको लिखना है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बोर्ड, स्कैनर, ग्राफ टेबल, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ब्लोअर, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, MS Office, Corel Draw, Photoshop, InPage, Illustrator। ठीक है, प्रैक्टिकल टू, विंडो में न्यू अकाउंट बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, अकाउंट का नाम दे, फिर ओके पे क्लिक करें, तो हमारा विंडो पर न्यू अकाउंट बन जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर 3, सिस्टम बैकअप सेटअप करना। स्टार्ट बटन दबाकर कंट्रोल पॉइंट को खोल दें और सिस्टम पर क्लिक करें और फिर बैक एंड रिकवरी पर क्लिक करें और फिर सेटअप पर क्लिक करें। इस तरह हमारा सिस्टम सेटअप शुरू हो जाएगा। इसके बाद है प्रैक्टिकल नेटवर्क को, फाइल को शेम, इसीलिए 10 स्टेप को फॉलो। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करें और फिर नेटवर्क एंड क्लिक करें, उसके बाद एडवांस शेयरिंग सेंटर क्लिक करें, उसके बाद ऑल नेटवर्क पर क्लिक करें। अब पब्लिक फोल्डर शेयरिंग पर को टर्न ऑफ करें और पासवर्ड परफेक्ट को ऑफ कर दें। इस तरह आप फाइल को नेटवर्क के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। अब अगला है कि MS Office में रिज्यूम बनाना। उसके लिए 10 फॉर्मेट को फॉलो करें। सबसे पहले टेक्स्ट को लिख लें, उसके बाद साइज को सेट करें, उसके बाद हेडिंग को सेट करें, उसके बाद फ़ोटो लगाएं, पेज लेआउट में जाकर बॉर्डर लगाएं, उसको कलरिंग करें, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू को देख लें। इस तरह हमारा रिज्यूम जो है MS Word प्रोसेसिंग में तैयार है। इसके बाद छठा है कि अब स्प्रेडशीट डेटा सिस्टम को बनाना। इसके लिए सबसे पहले MS Excel प्रोग्राम को खोलें, उसके बाद ऑफिस बटन पर क्लिक, तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा जिसे क्रिएट ब्लैंक शीट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल में सेपरेट शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद है प्रेजेंटेशन को बनाना। इसके लिए हमको 10 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन करें, उसके बाद ऑफिस बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट स्लाइड पे जाकर और स्लाइड लें, फिर इस तरह हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना, इसको 10 तरीके से बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले काम शुरू करने से पहले डाटा में जाकर रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक का काम करें, तो हमारी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होती रहेगी। प्रैक्टिकल ईमेल अकाउंट बनाना। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम गूगल को ओपन करेंगे, उसके बाद जीमेल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे और ज़रूरी मालूमात भरेंगे और एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारी ईमेल अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 10, जीमेल अकाउंट को सिक्योर करना। जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हम जब भी अकाउंट को ओपन करें तो वहाँ मोबाइल में पिन भेजकर कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं या सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे हमारा जीमेल अकाउंट को दूसरा कोई भी शख्स ओपन नहीं कर सकता। डिजी लॉकर में फाइलों को स्टोर करना। अगर हम डिजी लॉकर में फाइलों को स्टोर करते हैं तो हमको सबसे पहले टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट उसको कॉपी को
अपलोड कर देंगे तो हम OTP के जरिए भी, आधार के जरिए भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 12, ड्रॉप बॉक्स से फाइलों को लेना। ड्रॉप बॉक्स एक गूगल ड्राइव की तरह में फाइल को सेव कर सकते हैं, और जब हम फाइल को डाउनलोड करना होता है तो हम फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंप्यूटर में इंसर्ट होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन का नहीं ओपन होना होगा। 13वां प्रैक्टिकल है गूगल ड्राइव पर फाइल को स्टोर करना। ड्राइव गूगल हमारे गूगल अकाउंट से ही जुड़ा होता है, इसमें गूगल की तरफ से हमको 15 GB तक फ्री स्टोरेज होता है। इसके लिए हमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इसमें फाइल को स्टोर करने के लिए हमको अपलोड फाइल पर क्लिक करना होगा और फाइल को कलर करेंगे और अपलोड करेंगे और फाइल को अपलोड हो जाएगी। प्रैक्टिकल 14 है कि स्काइप कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करने का एक ऐप है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है और हम स्काइप पर दोस्तों को ऐड करके उनको कॉल कर सकते हैं, जैसा कि फेसबुक कॉल होती है वैसा ही ये है। प्रैक्टिकल नंबर 15 है कि सोशल मीडिया पर अकाउंट। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर हम अकाउंट बनाना, सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद गूगल पर जाकर फेसबुक लिखें, वहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, अपना सोशल मीडिया नाम क्रिएट करें और क्रिएट पर क्लिक करें, हमारा अकाउंट बन जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 16, ब्लॉग लिखना। ब्लॉग का मतलब है एक तरह से वेबसाइट को कहते हैं, जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ आर्टिकल और फोटो मालूमात के लिए ब्लॉग लिखने वाले शख्स को ब्लॉगर कहते हैं और ब्लॉग लिखने को ब्लॉगिंग कहते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 17, एंटीवायरस और एंटी स्पैम का इस्तेमाल। सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में पता लगाने और उसको डिलीट करने के लिए होता है, कंप्यूटर से रिमूव कर दो। एंटी स्प्रो का इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर को डिलीट करने और पता लगाने के लिए किया जाता है, जो थिंग हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए कर देते हैं। पेन ड्राइव से लॉस्ट एंड हिडन डिस्क को रिकवर करने का। सबसे पहले कंप्यूटर में अन एंड डिलीट रिकवरी सिस्टम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, उसको ओपन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अपनी पेन ड्राइव को चूज करें और स्कैन पर क्लिक करें और डिलीट डाटा को स्कैन होना शुरू होगा। उसके बाद ऑल डिलीट, ऑल डाटा हमको रखेंगे और जो हमने स्टोर करना है उसको रखेंगे और वो डाटा वापस आ जाएगा। इस तरह से जो है ये हमारा बेसिक कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो बन जाएगा। और आप जो है प्रैक्टिकल अगर PDF की शक्ल में चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और अगर आप चाहते हैं कि बना बनाया आपको मिल जाए आपके एड्रेस पर तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सब मिल जाएगा। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे एक महीने के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।